हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, मार्केट के अंदर तो आज फिर से करेक्शन ही देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिकन बाजार जो है वो कल के दिन भी हमें अच्छी खासी गिरावट के साथ ही अपनी क्लोजिंग देते हुए नजर आया, और उसका सीधा असर कहीं ना कहीं आज इंडियन स्टॉक मार्केट पे फिर से ही देखने को मिल रहा है। दोनों ही इंडेक्सेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी 50 के अंदर आज फिर से करेक्शन देखने को मिल रही है। हो सकता है कि मार्केट जो है पूरा दिन जो है रन करने के बाद कवर अप करते हुए जरूर नजर आया, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन रही कल के दिन में और आज के दिन में भी। बात करेंगे डेसिफर लैब्स की, जिसके अंदर अब गिरावट जो है लगातार हमें लोअर सर्किट के तौर पे देखने को मिल रही है। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पर सही जानकारी इस चैनल पर मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूँ। और आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डेसिफर लैब्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 दिन के अंदर स्टॉक देखिए ऑलमोस्ट 18.5% तक करेक्ट हो चुका है, यानी कि 50 रुपये से गिर के स्टॉक 40.70 रुपये पे आ चुका है 18.36% की गिरावट के साथ में। अगर आप इसका ऊपरी स्तर से गिरावट देखेंगे तो 55.20 रुपये को स्टॉक 15 सितंबर की बात है, और उस दिन से स्टॉक में लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहे हैं, और एक सपोर्ट लेवल्स थे 45 रुपये के आसपास। और पैनी शेयर में ये चीज़ खासकर होती है कि वो सपोर्ट लेवल्स को ज़्यादा मायने अपने आप में देते नहीं है, और ये रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है कि जब 45 रुपये के आसपास स्टॉक ने काफ़ी टाइम जो है सपोर्ट बनाया और जब लोअर सर्किट लगे तो वहाँ पे निकलने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया है। और एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 7.5% तक की करेक्शन डेसिफर लैब्स में हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये, पैनी शेयर है उसका, और 6 महीने के अंदर 32.78% तक की करेक्शन यहाँ पे डेसिफर लैब्स में हो चुकी है। एक अपडेट भी है इसके रिगार्डिंग डेसिफर लैब्स के, वो भी बताऊंगा मैं कि क्या कुछ अपडेट निकल के आया। तो ऑलमोस्ट 19.85 रुपये की गिरावट लास्ट के 6 महीनों में, यानी कि ऑलमोस्ट जो है अप्रैल के एंड से और लेके और अभी तक सितंबर का एंड आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 60 रुपये से गिर के स्टॉक 40 रुपये पे आ चुका, और कंसोलिडेट भी कर रहा है, लेकिन फिर भी जो ऊपरी स्तर से जो गिरावट है वो ऑलमोस्ट 33% के आसपास हो चुकी है। अगर आज का करंट प्राइस देखूं मैं तो 2.10 रुपये की गिरावट है, 40.70 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 4.91% के लोअर सर्किट के तौर पर। तो यहाँ पर जब लोअर सर्किट लगता है, क्योंकि पैनी शेयर्स की खासकर बात यही है कि या तो वो अपर सर्किट में रहते हैं मोस्टली या फिर लोअर सर्किट में रहते हैं, और जब अपर सर्किट में रहते हैं तो हर कोई रैली जो करता है, हर कोई प्रॉफिट उस टाइम कमा रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब स्टॉक एकदम से नीचे आता है और गिरावट होती है और लोअर सर्किट में आप स्टॉक्स को सेल भी नहीं कर पाते हैं, और वही चीज इस टाइम डेसिफर लैब्स में आपको देखने को मिली रही है। अगर मैं सेलिंग प्रेशर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, 5 लाख शेयर्स की क्वांटिटी इस टाइम सेलिंग ऑर्डर्स में हमें देखने को मिल रही है, और 9,366 शेयर्स का वॉल्यूम मार्केट खुलते ही आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स जो लगे हुए थे वो एग्जीक्यूट हुए, यानी कि ऑलमोस्ट 4,500 शेयर्स बाई हुए और 4,500 शेयर्स जो हैं प्री मार्केट ओपनिंग की वजह से यहां पे सेल हो चुके हैं। मार्केट कैप इस कंपनी का 41 करोड़ का है, फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपीज की है, टीटीएमपी 2.42 का, और बुक वैल्यू पर शेयर 23.93 की देखने को मिल रही है। तो कंपनी के बेस जो देखें अगर और उसकी बुक वैल्यू भी देखें तो अच्छी है, मार्केट कैप बहुत कम है, क्योंकि कंपनी जो है एक छोटी सी कंपनी है, एक माइक्रो कैप से भी नीचे कंपनी है। 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है, और ईपीएस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़िया जो है इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जब किसी कंपनी का ग्रोइंग फैक्टर में काम आता है, क्योंकि जब किसी कंपनी का ईपीएस जो है वो अगर लगातार ग्रो कर रहा है तो यानी कि कंपनी अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो अगर वो कंपनी रिवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कि उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पे ऑपरेटर्स की वजह से पैनी शेयर्स में कभी कभी चीजें हमेशा जो है अवॉइड करनी चाहिए आप लोगों को, कि पैनी शेयर है तो पैनी शेयर के अंदर लोअर सर्किट और अपर सर्किट हमेशा लगते रहते हैं। सेक्टर पी की बात करूं तो 28.76 का देखने को मिला, और अगर अपडेट की बात करूं तो डिस्क्लोजर फॉर सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय डायरेक्टर, यानी कि यहां पे डायरेक्टर जो थे कंपनी के उन्होंने इक्विटी शेयर्स को सोल्ड कर दिया है, विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट सिटेड अबव आई द अंडर साइन डू एयर हेयर बाई गिव डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 29 of CB regulation 2011 and under 7(2) of PIT regulation 2015 with regard to sale of equity shares of Decipher Labs Limited wherein I am shareholder and director of the company. I have sold part of my shares and the disclosure pertaining to the sale is attached here with the information and records. यानी कि
जो कंपनी का डायरेक्टर था उसके पास जितने भी इक्विटी शेयर्स थे उन्होंने वो क्या कर दिया, सेल कर दिए। और सेल करने के बाद एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वो अब आप लोगों के सामने रिजल्ट के तौर पे लोअर सर्किट है, लोअर सर्किट ही जो है स्टॉक में अब देखने को मिल रहे हैं। तो प्रमोटर्स जो है उनके तरफ से ही जो है स्टॉक को अपनी तरफ से जिनके भी उनके क्वांटिटी थी उसको सेल करके वो आई थिंक उन्होंने रिजाइन भी कर दिया होगा, जहां तक मेरा अंदाजा है। क्योंकि उन्होंने अगर स्टॉक सेल किए हैं तो ऑब्वियसली बात है वो कंपनी से निकलने की भी कोशिश करेंगे। और इसका आरएसएल लेवल देखें तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के अराउंड आरएसएल लेवल देखने को मिल रहा है, और अगर इसका आरवीआई लेवल देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के अराउंड ही देखने को मिल रहा है। अगर इसका मूविंग एवरेज देखें तो अबव ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, तो गिरावट के चांसेस अभी भी डेसिफर लैब्स में बने हुए हैं। प्राइस परफॉर्मेंस सिर्फ एक साल में 20% और तीन साल में 122% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, और उसके बावजूद 1 जनवरी 2022 से लेके अभी करंट आज की तारीख तक ऑलमोस्ट 70% तक के नेगेटिव रिटर्न्स डेसिफर लैब्स ने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो बहुत ही खराब जो परफॉर्मेंस अभी तक की हमें देखने को मिल रही है। जहां लास्ट क्लोजिंग वॉल्यूम 25,000 का था, वहीं मार्केट खुलते ही 9,000 के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। कल 100% की डिलीवरी थी और एक वीक का भी एवरेज ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास का ही देखने को मिल रहा है। 50% बाई और 50% होल्ड की यहां पे कमोडिटी सेंटीमेंट्स में हमें कॉल देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पे गिरावट लगातार जारी है। और उसके बावजूद भी देखिए कि कंपनी का रिवेन्यू 2018 में 1 करोड़, फिर 8 करोड़, 23 करोड़, 55 करोड़ और 65 करोड़, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 2022 वाले क्वार्टर में ही निकल गया, जहां 65 करोड़ में से कंपनी ने सिर्फ 11 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट जनरेट किया। और कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी खराब रही कि स्टॉक में से ऑलमोस्ट जो है 34% ही प्रमोटर स्टेक देखने को मिल रहा है और बाकी का 65.82% पब्लिक का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के चांसेज अभी भी बने हुए हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट 30 रुपीज के अराउंड भी आ सकता है। बीच में थोड़ा बहुत पुश जरूर किया जा सकता है ऑपरेटर्स के द्वारा, और वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने की कोशिश डेसिफर लैब्स में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।